पूरे शहर के विकास के लिए और खूबसूरत दिखे शहर, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। जनता मालिक है, जनता जो चाहेगी सो कर लेगी। नाम क्या लेना है, जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। ये कलयुग है, यहाँ हैंड टू हैंड मिलता है तुरंत। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त हमारे साथ हाजीपुर सभापति संगीता देवी जी जुड़ी हुई है, जो हाजीपुर को विकास के मुद्दे पर काफी आगे ले जाना चाहते हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है देशवा न्यूज में। नमस्ते मैम, जिस तरीके से हाजीपुर को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और बीजेपी का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आपने हाजीपुर को आगे बढ़ाने के लिए क्या रणनीति बना के रखे, किस तरीके से आगे ले जाएंगे हाजीपुर को? चूंकि देखिए, बहुत सारे लोग विकास विकास करके सिर्फ लूट योजना बनाए हुए थे। अभी शहर में देख रहे होंगे आप लोग की जाम की समस्या खत्म हो चुकी है, और बहुत प्रयास किया गया कि इस जाम को खत्म किया जाए, लेकिन हुआ नहीं। और आज जो हम लोगों ने किया है उससे जाम की समस्या लगभग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा हम लोग यहाँ सौंदर्यकरण का काम भी शुरू कर रहे हैं। हमको लगता है कि इस मंथ में उसका भी टेंडर निकल जाएगा। और साथ ही हाई मास्क लगाना, जगह जगह पर शौचालय, सेल्फी पॉइंट्स कुछ हम लोग चूज किए जो बना रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे शहर के विकास के लिए और खूबसूरत दिखे शहर, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। कुछ टेंडर सब निकलेंगे ही पेपर में, तो उसके माध्यम से भी जनता को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आपके जो हाजीपुर के जनता हैं, खास करके वो आपको प्यार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं। मैम, वो जानना चाहते हैं कि आप सरकारी पद पे थे, उसके बाद आपने सरकारी पद से इस्तीफा दिया और फिर राजनीति में कदम रखा, ऐसा क्या कारण था कि आपने राजनीति में कदम रखा? एक्चुअल में हर बार होता है कि जो हम लोग जिस विभाग से थे वहाँ कंटिन्यू हम लोगों को कुछ ना कुछ झेलना होता था। कितना भी काम करने के बाद भी, बहुत छोटे से पोस्ट पे हम रहे हैं तो, और मेरा जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से हम सेटिस्फाइड नहीं थे उस काम से। साथ ही समाज का सेवा शुरू से करते ही आए हैं। लगभग हमको लगता है कि जब से भी हम जॉब किए तब से हम समाज की सेवा में ज़्यादा इंटरेस्ट लिए हैं। तो हमको लगा कि नहीं, ये जॉब छोड़ के उन लोगों की सेवा में ही ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि समाज को कुछ विशेष मिल सके। सब कोई तो कर ही रहे हैं अपना विकास, लेकिन हम समाज का विकास चाहते थे। मैम, अभी हाजीपुर में खास करके देखा जा रहा है कि जाम की समस्या तो खत्म हो गया, लेकिन जो अभी थोड़ा बहुत जो सड़क किनारे जो अभी भी फुटपाथ पे दुकानें लग रहे हैं, उन्हें आप कैसे ले रहे हैं? क्योंकि वो पुलिस का भी बात नहीं माने, पुलिस से भी बहुत ज़्यादा उनका तीखी बहस कभी कभी देखने को मिल जाता है मार्केट में, तो उस पर आपका आगे का क्या रहेगा? देखिए, वो लोग भी मजबूर हैं और गरीब लोग हैं, वो लोग पेट के लिए किसी से भी लड़ाई ले रहे हैं, लेकिन हम लोग परमानेंट व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो जगह छोड़ के जाने में, और ना ही हमें खाली कराने में कोई प्रॉब्लम हो, ताकि वो भी अच्छे से कमाएं और हम लोग का भी शहर साफ सुथरा हो सके। तो उसके विषय में हम लोग सोच रहे हैं, कहीं कहीं पे हम लोग अपना जगह देख रहे हैं कि जहां हम लोग को अच्छा जगह मिल जाए, जहां हम लोग को शिफ्ट कराया जा सके, वो भी हम लोग कर रहे हैं। हाजीपुर विधानसभा में आप अपने आप को उभरता हुआ एक नेता सभी देख रहे हैं आपको, क्या आप विधायक पद के उम्मीदवार से आगे बढ़ेंगे? देखिए, जनता मालिक है और राजनीति और पद जो है वो सिचुएशन की लड़ाई होती है, जब देखा जाए क्या होगा। हालांकि अभी मैं सभापति पद के लिए एकदम सेटिस्फाइड हूँ, जो मिला बहुत अच्छा मिला, और जनता मालिक है, जनता जो चाहेगी सो कर लेगी। अगर आपको टिकट देते हैं बीजेपी की ओर से, तो क्या आप अध्यक्ष जी से किनारा करके खड़े होंगे? वो भी बीजेपी के हैं, हम भी बीजेपी के हैं, तो उनसे किनारा करने की तो बात ही नहीं। हम बीजेपी की जिला अध्यक्ष हैं, तो उनके अगेंस्ट में जाना संभव नहीं है मेरे लिए। और कहा ना कि जो मिला उसमें हम सेटिस्फाइड है। यदि हमारे शीर्ष नेता लोग को ऐसा लगता है, शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि हाँ कहीं से लड़ाया जा सकता है, तो उनके डिसीजन पे हम कहीं से लड़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन अपना कोई डिसीजन नहीं है फिलहाल। आपके पति को भी राजनीतिक तौर पे फंसाने का मर्डर केस में प्रयास किया गया था, कौन लोग थे और उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो फुल्ली पॉलिटिकल फंसाया गया था उनको, ये चीज़ सभी पूरे हाजीपुर के लोग जान रहे हैं। और नाम क्या लेना है, जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। ये कलयुग है, यहाँ हैंड टू हैंड मिलता है तुरंत। तो बस यही कहते हैं कि जो हुआ सो अच्छा नहीं हुआ, एक दाग लग गया हम लोगों पे, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए जो भी लोग इस गंदे तरीके का राजनीति करते हैं उनके लिए ये सबब मिला है। हाजीपुर की जनता उनको एकदम जवाब दी है मुंह तोड़, और इससे विशेष क्या कहूँ। मैम, आप महिला हैं और महिलाओं को खूब आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितेंद्र मांझी जी का एक आज बयान आया है रामचरितमानस को लेकर, जिसमें वो कह रहे हैं कि
महिलाओं को रामचरितमानस में नीचा दिखाया गया, छूद्र बताया गया है। आप महिला हैं तो आपको क्या ऐसा लगता है कि रामचरितमानस गलत है और उसमें महिलाओं के प्रति घृणा फैलाया गया है? देखिए, रामचरितमानस पे ऐसा बात करना बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं है। एक राम जी का ही जो चरित्र है और जो इतिहास है, जो हम लोग साइंस में भी देखा गया है कि उनका बनाया हुआ पुल है, बहुत सारी चीजें हैं जो सच में है, अशोक वाटिका आज भी है। तो ऐसा बोलना हमको लगता है कि वो जो भी समझे, जीतन राम मांझी जी कुछ भी समझे, अभी तक हम लोग आगे हैं। आज हम लोगों का मानसिकता रामचरितमानस से इतना जुड़ा हुआ है कि आज भी महिलाएं यदि बाहर निकले तो ड्यूटी उसके कारण, ठीक है। यदि कहीं ना कहीं उनका पारिवारिक मैटर को हम लोग जैसा रामचरित में पढ़ते हैं तो उसको लेके यदि कोई कहता है कि मतलब किया गया, तो उस समय का सिचुएशन हम लोग देखने नहीं जाते हैं। सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ होता है और हम ऐसा नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, वो बिल्कुल गलत ये बात है जी। हाँ, तो इस वक्त आप संगीता देवी जी को बेबाकी से सुन रहे थे, वो सभी सवालों का जवाब बेबाकी से दे रहे थे और इन्होंने डिनर निश्चय कर लिया है कि ये हाजीपुर को काफ़ी आगे ले जाएंगे और खास करके ये हाजीपुर के सौंदर्यकरण पर इस वक्त ध्यान दे रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।